आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में वजीफा घोटाले को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के विधायक साधु सिंह धर्मसोत ने वजीफा घोटाला कर दलित छात्रों के जीवन को अंधेरे में डाल दिया है, जिसके खिलाफ मोहाली जिला के पदाधिकारी और नेता एक हफ्ते तक भूख हड़ताल करेंगे। इस दौरान एससी विंग के जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह ने कहा कि कैप्टन सरकार द्वारा दलित छात्रों के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है, उसका आगामी चुनावों में कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं एससी विंग के महासचिव मनदीप मटौर ने दलित विरोधी और भेदभाव रखने वाली पार्टियों से सतर्क रहने का आग्रह किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आम आदमी पार्टी तो मनदीप सिंह मटौर, एससी विंग जनरल सकत्तर, मेरे नाल जसवीर सिंह जी एससी विंग का जिला प्रधान ने, बाकी साढ़े मित्तल जी जो मेन विंग के प्रधान ने, अनु जी से सारी होर जिन्नी भी साड़ी लीडरशिप बैठी है, सारा धन्यवाद। मैं सारे जिला मोहाली अपील करना चाहना कि जो दलित बच्चों का हक ये कांग्रेस सरकार ने खाया है, साधु सिंह धर्मसरोत जो चोर मंत्री है उन्हें खाया है, उसके हक लिए जी अज तीन पांच दे लाइटां ते धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जो कि सारे ही पंजाब विच अपने अपने जिलों विच अपने अपने एसी भाईचारे वालों किया जा रहा है। मैं सारे ब्लॉक प्रधान, सारे जिन्हें भी सर्कल इंचार्ज ने, बूथ इंचार्ज ने, या जिन्हें भी साढ़े जिले के लीडर साहबान ने, विच इंक्लूड डेरावसी ते खरड़, सारे नूं अपील करना चाहना कि साढ़े इस धरने प्रदर्शन विच पहुंच के शमूलियत करो ते सानू इस धरने प्रदर्शन टकरा करो, ताकि जो ये दलित बच्चों का हक है असी इस नूं दबा सकां। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मोहाली से नीलम ठाकुर की रिपोर्ट।